नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार शाम को बंगाल विधानसभा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर के ना होने पर सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को मेल भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है। ये सीटें राज्य के 6 जिलों में फैली है। शुभेंदु के प्रभाव वाली सीटों की संख्या राज्य की 249 सीटों के पांचवें हिस्से में ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन बाद में वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से ही कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। अधिकारी के पार्टी के साथ पिछले कुछ वक्त में मतभेद हो रहे थे। अधिकारी पार्टी ना छोड़ दें, इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को उनसे बात करने को कहा था। हालांकि बात नहीं बनी। पिछले महीने उन्होंने कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी में अंदर बात और भी बिगड़ रही थी। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ये तो होना ही था। कई टीएमसी के विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी में किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है और ना ही लोगों का सम्मान है। जो लोग पश्चिम बंगाल में बदलाव में शामिल होना चाहते हैं, विकास में शामिल होना चाहते हैं, वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहों को बल देते हुए बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा कि जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, मैंने कहा था कि अगर वो टीएमसी छोड़ देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और बीजेपी में उनका स्वागत करूंगा। आज उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।